Hello friends, welcome to Computer Star Academy. और आज मैं हम लोग के परचेज ऑर्डर सीरीज़ का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि परचेज ऑर्डर हम किस तरह प्लेस करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में टोटल 8 स्टेप मैं दिखाया हूँ, जिसमें परचेज ऑर्डर है, प्री क्लोज है, री ओपनिंग, रिसीप, रिजेक्शन आउटवर्ड, परचेज बिल, डेबिट नोट और मेकिंग पेमेंट। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको परचेज ऑर्डर करना सिखाया, तो चलिए मैं आपको उसे टैली में दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज और आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर में जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये टास्क लिया था कि मैंने मिसेस इंटरप्राइज से ये आइटम इतनी क्वांटिटी में ये रेट से जीएसटी रेट से मैंने परचेज ऑर्डर प्लेस किया था 2 अप्रैल 2018 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ मिसेस इंटरप्राइज को ORD AV/01 ऑर्डर नंबर है हम लोग का, और हेयर एंड केयर हमने 100 बॉटल 51 रुपीज़ से हमने ये परचेज ऑर्डर प्लेस किया था। उसके साथ साथ मैं यहाँ परचेज ऑर्डर टू में आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर टू एक अलग ऑर्डर मैंने प्लेस किया था कृष्णा स्टोर से, जिसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑर्डर का हमें आज क्या करना है। तो आज के इस समय हम सेकेंड ट्यूटोरियल में परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का सेकेंड स्टेप में हम सीखेंगे कि पार्टली प्री क्लोज और इंटायर ऑर्डर को प्री क्लोज करना, और ये क्या है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि प्री क्लोज पार्टली, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ, आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने 100 बॉटल का ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, और बैलेंस क्वांटिटी भी 100 है। तो बैलेंस क्वांटिटी में वो क्वांटिटी दिखाता है जो हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 100 बॉटल का ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें से आप 20 बॉटल नहीं लेना चाहते हैं, आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो वो पार्टली प्री क्लोज कहलाएगा, क्योंकि आप 100 में से 20 बॉटल कैंसिल करना चाहते हैं। तो अगर आप जितना भी ऑर्डर प्लेस किए उसमें से अगर कुछ क्वांटिटी आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उसे प्री क्लोज पार्टली कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंटायर ऑर्डर क्या है। तो मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अलग से एक ऑर्डर प्लेस किया था, जो मैंने आपको लास्ट परचेज ऑर्डर जो प्लेस किया था उसमें मैंने आपको नहीं दिखाया था। ये मैं जस्ट आपको एडिशनल में बन इसे क्लोज करने के लिए बनाया ताकि आप इसे समझ पाए। तो कृष्णा स्टोर को मैंने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है 5 बॉटल, ठीक है, हेयर एंड केयर का। तो अगर आप कृष्णा स्टोर को ये टोटल ऑर्डर आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है, पूरा टोटल, कि मेरे को 5 में से 5 कोई बॉटल नहीं चाहिए, मेरे को मैं कोई भी परचेज ऑर्डर, मैं पूरा परचेज ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, तो उसे आप कहते हैं प्री क्लोज इंटायर ऑर्डर, ठीक है, इंटायर ऑर्डर को प्री क्लोज करना। अगर किसी पार्टी का आप पूरा ऑर्डर को ही कैंसिल कर देते हैं तो उसे इंटायर प्री क्लोज कहते हैं, ठीक है। आप पार्टली मैंने बता दिया कि अगर आप ऑर्डर में से कुछ क्वांटिटी को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आपका पार्टली कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कृष्णा स्टोर है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस ऑर्डर को पूरा कैंसिल किस तरह करते हैं। हम नहीं चाहते ये ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे टैली में। टैली में जाने के बाद गेटवे ऑफ टैली में से आप सेलेक्ट करिए डिस्प्ले, डिस्प्ले में से जाइए डे बुक में। तो आप डे बुक में देख सकते हैं कि मिसेज इंटरप्राइज और कृष्णा स्टोर दो लेजर में दिखाई दे रहा है, दो बुक दिखाई दे रहा है हमें, एक मिस कृष्णा स्टोर का, एक मिसेज इंटरप्राइज का, ठीक है। तो आप जिसे पूरा इंटायर ऑर्डर क्लोज करना चाहते हैं उस पर कर्सर जाके इंटरप्रेस करिए, जैसे मैं कृष्णा स्टोर को करना चाहता हूँ, इंटरप्रेस करिए। करने के बाद
आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल सी। जब भी नीचे डबल लाइन होगा तो इसका मतलब होता है कंट्रोल, और एक लाइन हुआ तो इसका मतलब होता है ऑल्टर। तो यहाँ लिखा हुआ है प्री क्लोज ऑर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ प्रेस प्रेस करेंगे कंट्रोल सी, तो देखिए प्री क्लोज ऑर्डर कंप्लीटली का एक पॉपअप आ गया है। वहाँ रीजन पूछ रहा है कि आप ये ऑर्डर क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम लिख देते हैं कि नो नीड, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका डेट पूछ रहा है कि कौन से डेट को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम सेम फिलहाल सेम डेट रहने देते हैं। करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट करने के बाद भी ये डे बुक में दिखा रहा है, पर चलिए देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में दिखाता है क्या। इसके लिए स्केप प्रेस करते हुए हम डिस्प्ले में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर। तब देखिए कि यहाँ से वो ऑर्डर हट गया, कृष्णा का अब नहीं है। देखिए इंटरप्राइज, मिसेज इंटरप्राइज, मिसेज इंटरप्राइज, मिसेज इंटरप्राइज, कृष्णा का ऑर्डर हट गया। पर हमें अब देखना, रिपोर्ट में देखना है कि हमने जो ऑर्डर को पूरा इंटायर ऑर्डर को कैंसिल किया है, वो देखना चाहते हैं हम, किस पार्टी का पूरा इंटायर ऑर्डर कैंसिल हुआ है। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F12। प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और सो क्लियर्ड परचेज ऑर्डर को यस करेंगे। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, सो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल्स को यस करेंगे। अगर आप रीजन देखना चाहते हैं तो सो रीजन में भी यस करिए और इसे इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए आपका दिखा रहा है कि परचेज ऑर्डर क्लियर, जो ऑर्डर को मैंने इंटायर पूरा क्लियर किया था, जो कैंसिल किया था, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। तो आप दिखा देखिए दिखा रहा है टू कृष्णा स्टोर का हम लोग ने कैंसिल किया था, तो दिखा रहा है रीजन नो नीड हमने लिखा था, पाँच पाँच बॉटल का हमने ऑर्डर किया था और पाँचों बॉटल हमने प्री क्लोज कर दिया। तो इस तरह हम किसी भी पार्टी का पूरा इंटायर ऑर्डर को प्री क्लोज कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इंटायर ऑर्डर को कैंसिल करना सीख लिया। अब सीखते हैं पार्टली। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मैंने मिसेज इंटरप्राइज को परचेज ऑर्डर प्लेस किया था हेयर एंड केयर का 100 बॉटल, जिसमें से 100 बॉटल में से 100 बॉटल हमने रिसीव नहीं किया, क्योंकि बैलेंस क्वांटिटी में भी 100 है। तो हम चाहते हैं कि 100 में से 20 बॉटल हम नहीं लेना चाहते, हम 80 बॉटल का ऑर्डर प्लेस रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल सी। तो देखिए एक प्री क्लोज क्वांटिटी का नया कॉलम ऐड हो गया। तो आप जितनी क्वांटिटी को कैंसिल करना चाहते हैं उस क्वांटिटी को यहाँ लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 20 करना चाहता हूँ, तो क्वांटिटी लिख दिए, इंटर प्रेस करिए, रीजन दीजिए। तो रीजन, ये रीजन मांग रहा है कि आप क्यों प्री क्लोज कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं बायस, कोई रीजन की वजह से, हम लोग की वजह से कैंसिल कर दे रहे हैं। उसका सेम डेट, उसके बाद कंट्रोल ए। देखिए अब आपका बैलेंस क्वांटिटी में 80 दिखा रहा है, जबकि 100 बॉटल मैंने प्लेस किया था, और अब आप बता रहा है कि आप पाइएगा कितना, 80 बॉटल, 20 बॉटल अब नहीं पाइएगा। लास्ट टाइम क्या दिखा रहा था कि 100 ऑर्डर था और 100 ही था, क्योंकि 100 बॉटल का हम परचेज का ऑर्डर दिए थे और 100 बॉटल ही पाते। पर अब 100 बॉटल का हम लोग परचेज का ऑर्डर दिए थे, पर हम लोग पाएंगे 80 बॉटल, क्योंकि 20 बॉटल हमने कैंसिल कर दिया। तो इस तरह हम पार्टली भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और पूरा इंटायर ऑर्डर को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल में एक्सेल, एडवांस एक्सेल और टैली विथ GST की ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं इस चैनल को इसीलिए बनाया हूँ ताकि जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस किया है वो डिफ़िकल्टी आप फेस ना करें और आप बेहतर सीख पाएँ, इतना ताकि आप किसी को सिखा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।